मेरा नाम रेखा सक्सेना है, गरगहना रहती हूँ। मेरा भी है कम से कम 10 लाख रुपया है। मैंने भी अपने बच्चों के नाम से किया था और मैं भी एक आशा वर्कर हूँ खाली, बस उसी में काम करती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था और मैं जब जाती हूँ तो ये ऐसी दिलासा देते रहते हैं कि आज दे देंगे कल दे देंगे, तारीख पे तारीख कोड की तरह देते रहते हैं बस। और इनकी मिसेज जो है वो बहुत बदतमीजी से बात करती हैं, वो तो सीधे मुंह बाहर निकल सकती हैं। अब तो कैमरे लगा रखे हैं उनने और सीधे धमकी देती है, कैमरे लगे हैं, आओ जिसे जो करना है कर लो, जिसे पैसे लेना है वो ले ले, ले सके तो ले ले, नहीं देते हम पैसे नहीं दे पाएंगे। और ये कहते हैं जो सब पैसा अपने बच्चों के नाम कर दिया है इन्होंने, कुछ प्लाट खरीदे हैं, कुछ जमीने खरीदे हैं, बरेली में भी खरीदी है इनने, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि पैसे क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। 70,499। मेरा नाम वंदना सक्सेना है, मेरा KPS कंपनी में पैसा लगा हुआ है के तौर पे, बाकी मेरे को चेक भी मिला हुआ है। ये चेक मेरे पास में है जो कि 70,499 रुपए का चेक है, जो कि दो बार क्या बोलते हैं बाउंस हो गया है, बट अभी तक वो पैसे नहीं दे रहे हैं। और भी पैसे हैं मेरे जो कि मैंने अपनी बेटी के नाम से लगा रखे हैं, बट अभी तक कोई पैसे देने की सुनवाई नहीं है। आपके पैसे हैं ऑलमोस्ट जितने हैं, इतने लोग जो खड़े हैं सभी के पैसे हैं उनके, कम से कम हजारों लोग होंगे, बट हजारों में से सर मैं एक हूँ। बट हम लोग मेहनत करके जिस तरीके से पैसे लगाते हैं तो हमारा पैसा दिया जाए। मेरी प्रशासन से यही निवेदन है कि सभी का पैसा दिलाया जाए। और बोल रहे थे इनकी वाइफ ये बोल रही थी कि अगर हम आप लोगों के ऊपर हाथ उठा देंगे तो आप लोग क्या कर लोगे, और ये बोलते हैं कि लोन कराया है, मेरा फ्लैट बिक रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। सर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और मेरे पापा कैंसर से पीड़ित होते होकर उनकी डेथ भी हो चुकी है। अपनी बहन से फर्जी मुकदमा करा रखा है अपने ऊपर, और अपने ऊपर फर्जी मुकदमा करा के बोलते हैं कि मेरा मुकदमा चल रहा है, मैं तारीख लेने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। अंजू मौर्य मैम है उनकी बहन है, जो आए दिन हमें इतनी बुरी बुरी तरीकों की धमकी देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इतना बोलते हैं उल्टा सीधा। उनकी वाइफ भी इतना उल्टा सीधा बोलती है कि अब मेरे घर आ मत जाना, कस्टमर को क्यों लेके आती हूँ, मुझे पेमेंट नहीं देना, जो करना है कर लो, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। है नहीं, हम देंगे नहीं, जो कर मिले कर लो। हम ये चाहते हैं कि हमारा पेमेंट मिल जाए, जितने भी हमारे सारे फ्रेंड जितने भी सब लोग हैं उनको सबका पेमेंट मिल जाए। मेरा नाम सुमन मौर्य है सर। सर मैं कटरा चांद खां से आई हूँ शिकायत। सर मैं पैसे मांगने गई थी, मुझको दौड़ा दौड़ा के उन्होंने थका रखा, और ये समझ लीजिए कि जब भी मैंने पैसा मांगा टाइम देते रहते हैं, खुश होकर टाइम देते रहते हैं, आज देंगे, एक महीने बाद देंगे, दो महीने बाद देंगे, इन्हें 8 महीने थका दिया। और मैं शुगर की पेशेंट हूँ, मुझे चक्कर तक आ जाता है, मैं गिर गिर तक जाती थी, लेकिन इन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। मेरा पैसा वैसे तो बहुत लगा हुआ है, ये समझ लीजिए सर, कम से कम 30-40 लाख रुपए लगा होगा लोगों का, जो मैंने देखा है KPS में इतना लगा हुआ है, काफी लोग हैं सर, मैं गिन के नहीं बता सकती, काफी लोग हैं। और ऐसे लोग हैं सर जो झाड़ू पोछा तक लोग, ये समझ लो मुझे 10 साल हो गए सर वहाँ पर, और ये समझ लो पैसा देने का नाम नहीं है किसी का भी है। ये नवादा शेखान गुलाबबाड़ी रोड KPS होम के नाम से है ये, और ये सभी पीड़ित है पैसे के लिए। जब मैंने आवाज उठाई तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया कि तुझे तोड़ूंगी, पहले तू ज्यादा सबको सपोर्ट करती है बोल, मुझे इनकी सपोर्ट नहीं, मुझे तो पैसे से मतलब है, हमने कहीं और की, मैं मेरी एक रिपोर्ट लग चुकी है SSP के यहाँ, DIG और ये CM कोटा सब जगह मैंने डाल रखी है, और इसके लड़के ने भी बदतमीजी की थी मेरे साथ, ये है मेरे पास देखो कागज, इसके लड़के ने भी बदतमीजी की थी, फेक अकाउंट में नंबर डाल रखा है, गलत गलत तरीके के मैसेज आते थे, उससे मेरा दिमाग और भी बेकार हो गया, ये समझ लीजिए सर, अभी मैं बहुत ये समझ लो निकलना दुश्वार हो गया है गली गली में, मरने तक तो नौबत आ गई, ये लग रहा था कि आत्महत्या कर लो, मतलब सुन नहीं रहा प्रशासन तो क्या करें, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ।